नए वर्ष आने वाला समय में मेरे पार्टी की ओर से और मेरे बढ़त जनता युवा मोर्चा अरुणाचल प्रदेश की ओर से, हम सब कार्यकर्ता की ओर से, प्रदेश के सभी जनता को, सभी यूथ्स को आने वाला वर्ष 2024 का हार्दिक शुभकामनाएं मैं अपना युवा मोर्चा कार्यकर्ता की ओर से देना चाहूँगा। और आने वाला 2024 सभी प्रदेश और मैं इस प्रदेश में आने वाला समय का सभी लोग अच्छे इस प्रदेश के लिए अच्छा प्रॉस्पेरस और नए एक साल में नए एक इतिहास और अरुणाचल का भविष्य आने वाला समय में 2024 भी अच्छा होगा, ऐसे में सभी को मैं मेरा मिसेस और शुभकामनाएं देना चाहूँगा मेरे पार्टी को और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता की ओर से। पिछले एक साल में भारतीय जनता पार्टी देश भर में और स्पेशली हमारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, और जिस प्रगति से सरकार ने जो एक साल में जो काम किया है 2023 में, वो एक हमारे लिए, पार्टी के लिए और अरुणाचल के लिए बहुत ही ऐतिहासिक रहेगा। और जैसे हम सब जानते हैं, पेमा खांडू जी के नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश जिस तरह से काम हुआ, फॉर एग्जांपल जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर हो, चाहे रेलवे हो, चाहे रोड कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हो, ऐसे बहुत सारा उपलब्धियाँ हमें देखने को मिला 2023 की वर्ष में। जैसे हमारे सामने बहुत बड़ा इस प्रदेश का एक सामने, हम सब के सामने एग्जाम्पल है एयरपोर्ट, होलोंगी एयरपोर्ट, ये जो अरुणाचल प्रदेश हम सब के लिए सपने से बाहर है, आज हमारे बीच में एक ऐसे अरुणाचल प्रदेश में हमें मिला। और जैसे निचिपुर टनल, ये एक 2023 में सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम था, वो भी पेमा खांडू जी के नेतृत्व में पूरा किया। और जिस अरुणाचल हाईवे, जिस प्रकार से जो रोड कनेक्टिविटी में पूरा प्रदेश में, पूरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक इतना स्मूथ रोड कनेक्टिविटी हुआ, हम पूरे प्रदेश में लगभग प्रवास किया। और स्पेशली विजयनगर और ताली जिसे रोड जिस प्रदेश में सबसे बड़ा इशू भी रहा और चैलेंजिंग भी था, उसमें भी अरुणाचल के सरकार ने पूरा पेमा खांडू जी के नेतृत्व में पूरा करके दिखाया, वो हमें देखने को मिला। ऐसे इस प्रकार से बॉर्डर एरिया में जो वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज है, वहाँ के लोगों को काम करना और नेटवर्क कनेक्टिविटी जिस प्रकार से बॉर्डर में जो दिया पेमा खांडू जी के सरकार ने ये लास्ट 1 ईयर्स में, स्पेशली ये जो 2023 में पूरा लगभग बॉर्डर में नेटवर्क कनेक्टिविटी पहुंच गया, और कुछ कुछ जगह रह गया वो भी काम चल रहा है, आने वाला समय में 2 3 4 5 महीने में वो भी शायद वो कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे बहुत सारा चैलेंजिंग भी रहा और बहुत बड़ा एक प्रदेश का अचीवमेंट रहा। और जैसे हम सब जानते हैं, हेल्थ सेक्टर में और वुमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में बोलो, चाहे स्पोर्ट्स यूथ अफेयर्स स्पोर्ट्स सेक्टर में बोलो, चाहे टूरिज्म के सेक्टर में बोलो, ये सब पूरा इस साल में 2023 में बहुत सारा चीज़ हमको देखने को मिला। और मैं यूथ होने के नाते इस अचीवमेंट को देखते हुए मैं पूरे प्रदेश के युवाओं को मेरा एक अपील रहेगा इस नए वर्ष, आने वाला वर्ष में, कि हम सब मिलके इस प्रदेश को नया एक रूप दे, नया एक रोड मैप तैयारी करें हम सब मिलके इस प्रदेश को विकसित बनाने का। और यूथ आने वाला समय में एक कमिटमेंट और एक लेके अरुणाचल प्रदेश को ड्रग्स से जो नशा से जो प्रदेश गुजर रहा है, उससे हम सबको युवाओं को दूर रहना पड़ेगा। पूरे समाज, पूरे यूथ हम सबका एक प्रदेश का सपना है आने वाला दिन में। तो ऐसे पूरे यूथ, प्रदेश के यूथ को मेरा अपील है युवा मोर्चा की ओर से, मेरे परिवार की ओर से, हम सब मिलके एक नया अरुणाचल और यूथ ड्रग्स फ्री समाज अरुणाचल को बनाया जाए। और यूथ को स्पोर्ट्स के सेक्टर में हमको ध्यान देना चाहिए, और स्पेशली एडुकेशन जो है भविष्य का सबसे बड़ा हम सब का एक हथियार है एडुकेशन, ये सब सेक्टर में हम सबको
ध्यान में रख के आगे बढ़ना चाहिए यूथ्स को। और गवर्नमेंट का बहुत सारा बेनिफिट्स है, सेंटर का भी गवर्नमेंट का बेनिफिट्स है, स्टेट गवर्नमेंट का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जो युवाओं को आगे आके इस फ्लैगशिप प्रोग्राम में और सरकार के साथ में जोड़ के हमको काम करना चाहिए। और आने वाला साल में पूरा विश्वास है अरुणाचल के यूथ जनता जिस प्रकार से सरकार पेमा खांडू जी के नेतृत्व में जो जिस प्रकार से अरुणाचल विकसित और प्रदेश बनने जा रहा है, उनका जो सपना है, अरुणाचल का जो विजन है कि आने वाला समय में एक अपने बलबूते पे खड़ा होना अरुणाचल प्रदेश, तो ऐसे विश्वास के साथ जो सरकार जो काम कर रहा है, तो हम सब यूथ मिल के इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। और पार्टी भारतीय जनता पार्टी बीरम बागे जी का नेतृत्व में जो पार्टी हम सब का देख रेख, हम सबको हमेशा पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना है उसका काम भी हम लोग कर रहे हैं। और आने वाला समय में मेरा पूरा प्रदेश के युवा मोर्चा कार्यकर्ता को भी मेरा तरफ से यही अपील रहेगा कि हम सब आने वाला समय में मिलके प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे, मिलके काम करेंगे, जिस तरह से बीरम बागे जी का नेतृत्व में और पेमा खांडू जी का नेतृत्व में पार्टी और सरकार जिस तरह से जो अरुणाचल को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हम सब युवाओं अरुणाचल को इस विश्वास के साथ में जिस तरह से सरकार काम कर रहा है, पार्टी कर काम कर रहा है, उसी को आगे बढ़ाने का एक कदम नए सोच के साथ 2024 में हम सब यूथ मिलकर आगे बढ़ाएंगे और काम करेंगे। ठीक है।